दोस्तों, आईपीएल के 30वें महामुकाबले में दो दिग्गज टीम्स एक दूसरे से श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम लखनऊ में आमने सामने हुई। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा था। दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल में आपका फेवरेट कैप्टन कौन है। टॉस जीत के गुजरात ने बैटिंग करने का फैसला लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ से पहला ओवर लेके आए नवीनुल हक और उनका सामना करने के लिए फील्ड में गुजरात टाइटंस की सबसे खतरनाक जोड़ी उतरी थी मैदान में। जी दोस्तों, सुमन गिल और रिद्धिमान शाह मौजूद थे फील्ड पे। पहले ओवर में 4 का स्कोर होता है बोर्ड पे। दोस्तों, सुमन गिल फील्ड के लंबाई नापने के लिए एक शॉट लगाते हैं कृणाल के ओवर में। बॉल बाउंड्री के बाहर जाने के बदले बिश्नोई के हाथ में चली जाती है और वो आउट हो जाते हैं। शुभमन दोस्तों अपना खाता खोलने से पहले ही पैविलियन लौट गए। शाह के साथ देने मैदान में होती है कैप्टन हार्दिक की एंट्री। हार्दिक और शाह धीरे धीरे गुजरात टाइटंस के स्कोर बोर्ड को चलाने का काम कर रहे थे। 90 ओवर तक 65 रन जोड़ लिया था स्कोर बोर्ड पे इस पार्टनरशिप में। हार्दिक 20 बॉल्स पे 22 और शाह 32 बॉल्स पे 43 बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों की साझेदारी 54 बॉल्स पे कुल 68 रन की हो गई थी। कि गुजरात के खेमे को एक और झटका लगता है शाह के रूप में। शाह अपना कैच दीपक के हाथों में रख के पैविलियन लौटने की तैयारी में लग जाते हैं। दोस्तों, 37 बॉल्स पे 47 रन जोड़कर शाह निकल गए और इसके साथ गुजरात टाइटंस का स्कोर 72 हो गया था 2 विकेट्स के नुकसान पर। दोस्तों, आपको बता दें कि 12वें ओवर तक 77 रन पे पहुंच गई थी गुजरात टाइटंस की टीम। हार्दिक का साथ देने आए अभिनव को लंबा शॉट मारने का खामियाजा भुगतना पड़ा मिश्रा के ओवर में। दोस्तों, नवीनुल हक उन्हें पैविलियन तक पहुंचाने में मदद करने में कामयाब हुए। दर्शकों का मन मोहने में आज कहीं सफल नहीं हो पाए मनोहर और 5 बॉल्स में 3 रन बनाकर मैच का मजा लेने पैविलियन की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, गुजरात टाइटंस को एक बड़ा लक्ष्य बनाने के लिए कहीं ना कहीं कैप्टन को भारी जोखिम उठाना था आज। हार्दिक बिल्कुल इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने को तैयार हुए और निसंकोच लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की बत्ती बना रहे थे। हार्दिक का साथ देने विजय आए थे मैदान में। दोनों की जोड़ी ने गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे थे। दोस्तों, 15वें ओवर तक हार्दिक ने 34 बॉल्स पे 32 और विजय 11 बॉल्स पे 10 रन बनाकर खेल रहे थे। इसी ओवर के आखिरी गेंद में विजय बैट और बॉल का कनेक्शन करने में नाकामयाब रहे और बॉल हवा को चीरती हुई स्टंप्स पे जा टकराई। इसी के साथ विजय का रथ पैविलियन की ओर भागने लगा। विजय ने कुल 10 रन बनाए थे 12 बॉल्स पे। दोस्तों, 18वें ओवर तक गुजरात टाइटंस ने अपने खाते में 108 रन जोड़ने में कामयाब रही थी कि बिश्नोई के इसी ओवर के 4थे बॉल पे हार्दिक ने एक छक्का जोड़ के अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। दोस्तों, 20वें ओवर तक हार्दिक खेल रहे थे 66 रन बनाकर 49 गेंदों में और गुजरात टाइटंस का स्कोर 132 रन तक पहुंच गया था कि स्टोनिस के बॉल पे बड़ा शॉट खेलते हुए अपना विकेट केएल राहुल के हाथ में थमा बैठे। आखिरी के 4 बॉल्स पे स्टोनिस का सामना कर रहे थे डेविड मिलर और तिवतिया। कुल 9 रन आए इस 20वें ओवर में। गुजरात की पारी दोस्तों 135 रन पे सिमट गई। लास्ट बॉल पे स्टोनिस ने मिलर को दीपक हुड्डा के हाथों में कैच आउट करा दिया। गुजरात के बैटिंग स्कोर की बात करें तो शाह 37 बॉल्स पे 47 रन, गिल्स कोई रन नहीं बना पाए, हार्दिक 50 बॉल्स पे 66 रन, अभिनव 5 बॉल्स पे 3 रन, शंकर 12 बॉल्स पे 10 रन, डेविड मिलर 12 बॉल्स पे 6 रन, तिवतिया 2 बॉल्स पे 2 रन और कुल एक एक्स्ट्रा मिलाकर 135 रन 6 विकेट के नुकसान पे बना पाई थी गुजरात टाइटंस की टीम। वही दोस्तों, सुपर जायंट्स के बॉलिंग की बात करें तो नवीनुल हक 4 ओवर्स में 19 रन देके 1 विकेट, कृणाल 4 ओवर्स में 16 रन देके 2 विकेट, आवेश 3 ओवर्स में 21 रन देके कोई विकेट नहीं ले पाए, बिश्नोई 4 ओवर्स में 49 रन देके कोई विकेट नहीं ले पाए, टोनिस 3 ओवर में 20 रन देके 2 विकेट और मिश्रा 2 ओवर्स में 9 रन देके 1 विकेट ले पाए। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने अपने स्कोर को डिफेंड करने पहले ओवर में मोहम्मद शमी को गेंद थमाई। शमी का सामना करने मैदान में उतरे थे केएल राहुल और मेयर्स की जोड़ी। दोस्तों, पहले ही ओवर में रन रोकने में कामयाब रहे शमी और एक मेडन ओवर निकाला उन्होंने। दूसरे ओवर से रन की गति बढ़ाने मेयर्स का सामना कर रहे थे जयंत का। दोनों बल्लेबाज सेट होके गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों का टेस्ट लेने के बाद धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए चौकों और छक्कों की बौछार लगा दी थी फील्ड पे। दोस्तों, 4 ओवर
ओवर्स तक राहुल और मेयर्स की पार्टनरशिप ने 30 रन जोड़ लिए थे लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में। राहुल 13 बॉल्स पे 16 और मेयर्स 11 बॉल पे 14 रन बनाकर डटे रहे थे फील्ड पे। देखते ही देखते दोस्तों 6 ओवर्स तक कुल 55 रन आ गए थे लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में। राहुल 20 बॉल्स पे 31 और मेयर्स 18 बॉल पे 24 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों 7वें ओवर में मेयर का विकेट लेके राशिद ने गुजरात को पहली विकेट का तोहफा दिया। राशिद ने मेयर को एक स्लो बॉल डाल के क्लीन बॉल किया दोस्तों, मानो कह रहे हो कि मेयर्स भाई तेरे जाने का वक्त आ गया, अब मैच का मजा पैविलियन में बैठ के लेना। लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने के लिए 78 बॉल्स पे 81 रन चाहिए थे कि राहुल का साथ देने फील्ड में आए कृणाल पांड्या। रनों का सिलसिला दोस्तों बढ़ता ही गया, दोनों बल्लेबाज गुजरात के बॉलर्स की जम के कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 ओवर में 80 रन बना लिया था स्कोर बोर्ड पे। राहुल 29 बॉल्स पे 42 और कृणाल 13 बॉल्स पे 13 रन बनाकर खेल रहे थे। 13वें ओवर तक राहुल ने अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लिया था 38 बॉल्स पे। राहुल के 50 पे दोस्तों पांड्या ने उनको बधाई भी दी। दोस्तों आपको हार्दिक की ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हार्दिक के लिए एक प्यारा सा कमेंट, इसी बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमें अपना समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों राहुल 41 बॉल्स पे 54 रन और कृणाल 21 बॉल्स पे 23 रन बनाकर खेल रहे थे। 14वें ओवर तक लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 102 रन तक पहुंचा ही था कि उन्हें लगता है पहला झटका केएल राहुल के रूप में। लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए अभी भी दोस्तों 39 बॉल्स पे 34 रन चाहिए थे कि राहुल के एक हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट को कैच ड्रॉप कर देते हैं विजय शंकर। इसकी भरपाई दोस्तों नूर ने कृणाल पांड्या के विकेट से करी। 15वें ओवर में तीसरे बॉल पे कृणाल आगे आके खेलना चाहते थे कि बीट हो जाते हैं और शाह ने स्टंपिंग करने में देर नहीं लगाई। दोस्तों कुल 23 बॉल्स पे 23 रन बनाकर कृणाल पैविलियन लौट गए। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए 25 बॉल्स पे 28 रन चाहिए थे कि राहुल का साथ देने फील्ड में पूरन आते हैं। इससे पहले कि पूरन घातक साबित हो पाते 17वें ओवर में हार्दिक उनका कैच पकड़कर उनकी छुट्टी कर देते हैं। 7 बॉल्स में 1 ही रन बनाकर आउट हुए थे पूरन। दोस्तों जीत अब लखनऊ सुपर जायंट्स के करीब ही थी, कुल 123 रन बन गए थे लखनऊ के पारी में। 7 बॉल्स में लखनऊ को जीतने के लिए 13 रन की जरूरत थी। दोस्तों 19वें ओवर में राहुल 58 बॉल्स पे 68 और बदोनी 6 बॉल्स पे 8 रन बनाकर खेल रहे थे कि दोस्तों शमी के अनुभवी बॉलिंग के केवल 5 रन ही बना पाए लखनऊ की टीम। मैच बहुत ही रोमांचक मोड ले रहा था दोस्तों कि आखिरी ओवर में जीत के लिए लखनऊ को 12 रन की जरूरत थी। दोस्तों आखिरी ओवर करने आए मोहित हुआ वही जिसका डर लखनऊ सुपर जायंट्स को था। राहुल मैच के प्रेशर झेल नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट गवा बैठे। जयंत ने उनका कैच पकड़ के पैविलियन तक पहुंचने में मदद करी। कुल 61 बॉल्स पे 68 रन बनाकर आउट हो गए थे राहुल। राहुल के आउट होने पे स्टोनिस आते हैं क्रीज पर। दोस्तों मैच का रुख यहीं पे पलट गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले कि स्टोनिस अपना खाता खोल के रन्स का इजाफा कर पाते, मोहित के अगले ही बॉल में कैच आउट हो जाते हैं। स्टोनिस अपना खाता नहीं खोल पाते हैं और पैविलियन लौटने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों ये आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक कहा जा सकता था। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 बॉल्स पे 10 रन चाहिए थे जीत के लिए कि आयुष बदोनी रन आउट हो जाते हैं। 6 बॉल्स में 8 रन बनाकर आउट होते बदोनी। दोस्तों मोहित का हैट्रिक तो पूरा हो गया पर अभी भी खतरा टला नहीं था गुजरात के लिए। लास्ट के 2 बॉल्स पे 9 रन की जरूरत थी दोस्तों और क्रीज पे बिश्नोई और मंकड़ की जोड़ी मौजूद थी। दबाव दोनों टीम्स पे हावी ही हो रहा था कि राशिद ने दीपक को रन आउट कर दिया। 2 बॉल्स में 2 रन बनाकर आउट हुए दीपक। लास्ट बॉल में केवल 8 रन चाहिए थे लखनऊ सुपर जायंट्स को यह मैच जीतने के लिए कि बिश्नोई को एक स्लो बॉल डाल देते हैं मोहित और बिश्नोई बीट हो जाते हैं। और दोस्तों यही वो पल था जिसका इंतजार मोहित कर रहे थे 4 विकेट्स लेके। जी हाँ दोस्तों गुजरात ने यह मैच 7 रन से जीत लिया था। दोस्तों हमें कमेंट्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्तों 31वें मैच में। जय हिंद।